नाइल को फिर से फीवर हो गया है और अभी नाइल को 102 फीवर आ रहा है। 2 दिन से हुआ हुआ है और मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था, पर अब कल से इतना ज़्यादा हो रहा है। बार बार उतर रहा है, बार बार चढ़ रहा है। अभी मैं पट्टियाँ रख रही हूँ ठंडी, अगर अभी ठीक होता है तो ठीक है, पर फिर अभी मैं डॉक्टर के पास जाएंगे नायल को लेके। वायरल चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। आप सब भी बच्चों का बहुत ख्याल रखें। खैर, नायल के साथ नज़र का भी बहुत मसला है और अल्लाह सबके बच्चों को जो है ना वो सेहतमंद रखे। तो नायल को लेके अभी मैं जा रही हूँ और हस्बैंड और मैं नायल को लेके जा रहे हैं। जल्दी आज आ गए थे वो नायल की वजह से, क्योंकि नायल का बुखार जो है वो उतर रहा है, चढ़ रहा है 2 दिन से पहले। इसको 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, बल्कि 3 दिन पहले भी नहीं, उससे पहले तो वो 1 दिन रह के और वो ठीक हो गया था। पर परसों रात से इसको फिर हल्का सा बुखार हुआ, फिर कल 102 हो गया, फिर अभी ये आज थोड़ा ठीक था, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे पहले, लाइक 2 घंटे पहले फिर से 102 पे बुखार आ गया। तो अच्छा नहीं होता बार बार उतर चढ़ बुखार का। एक बार बुखार हो और उसके बाद ख़त्म हो जाए तो वो अलग चीज़ है। तो अभी हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ये है, कहाँ गया, ये बैठा हुआ है बच्चा मेरा बेचारा। तो बस अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर देखते हैं क्या कहते हैं। ऑब्वियसली वो एंटीबायोटिक ही देंगे क्योंकि इसको अब नज़ला भी शुरू हो गया, कफ भी स्टार्ट हो गई है। तो आप सब दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी। तो क्या हो गया, हाथ पकड़ो। नायल को, नायल की तबीयत ठीक नहीं है, है नायल? इधर देख लो, अब तो डॉक्टर ने आपको दवाई भी दे दी। हाँ, हमने सब्ज़ी भी ले ली, अब मामा चिकन ले रही हैं आपके लिए। मामा क्या बनाएंगी? सूप बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है? कप सूप, कप सूप पीना आपको। ये देखो, ये रही कितनी सारी कैट्स। बता दो किस तरह कटनी है। तो नायल को हमने दिखा दिया है, क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास। तो नायल का अभी भी फीवर जो है वो 102 था, तो नायल को एंटीबायोटिक दी है। तो अब नायल को घर जाके एंटीबायोटिक देंगे। इतनी देर में मैंने सब्ज़ी वगैरह भी ले ली, चिकन वगैरह भी ले ली, वरना फिर इतना मसला हो जाता है, रोज़ रोज़ कोई नीचे नहीं उतर सकता। तो क्या कहते हैं, अब हम जो है बस वेट कर रहे हैं। नायल के लिए जूस मंगाया है, तो फिर जूस लेके अब हम ऊपर घर जाएंगे। तो बस यही होता है, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तबीयत ठीक लग रही है आपको? हाँ मेरा बेटा, बस अब ठीक हो जाएगी। आप जब भी घर जाके एंटीबायोटिक पियोगे, उसके बाद आप आराम करना। मामा घर जाके चिकन बनाएंगी आपकी फेवरेट, ठीक है? वॉमिट करूँगा। वॉमिट नहीं करोगे? अंकल ने आपको, डॉक्टर अंकल ने आपको वॉमिट वाली वो दी है ना, वॉमिट वाला सिरप दिया है, उससे वॉमिट नहीं आती। तो घर आ गए फाइनली हम, और मैंने सब्ज़ी वगैरह और चिकन वगैरह भी ले ली थी हाथ के हाथ। तो अब मैं वो निकाल रही हूँ, उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। चिकन मैं वॉश करूँगी, फिर उसके पोर्शंस बनाऊँगी। अभी मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि सारा दिन कुछ नहीं पकाया, दिल नहीं हो रहा था नायल की तबीयत की वजह से। अब अल्लाह का शुक्र है नायल लेट गया है, और अब मैं सारा कुछ रखूँगी यहाँ पे। मैंने चीज़ें निकाल ली हैं तो अब उसको मुझे अलग करना है। और मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि टमाटर जो है सस्ते हुए हैं, तो अभी यहाँ पे मेरे एरिया में 100 रुपये में 4 किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो 4 किलो तो खैर मैंने नहीं लिए, मैंने 2 किलो लिए। अब उसको मैं उसका पेस्ट वगैरह बना के रखूँगी। काफ़ी टाइम से लोग कितना शोर मचा रहे थे कि टमाटर सस्ते हैं, टमाटर सस्ते हैं, इससे पहले कि फिर से 200-250 पे चले जाए।
तो टमाटर ले ले। पल वही वाली बात है, टमाटर सस्ते हैं पर अब मुर्गी महंगी है, तो 400 रुपये किलो मुर्गी चल रही है, कहीं पे 450 किलो भी है, और ज़िंदा जो है वो 300 रुपये किलो है। तो मैं ज़िंदा लेकर आई हूँ मुर्गी। तो अब ऑब्वियसली नए पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है कि अगर आप थोड़ा भी सामान लेते हैं तो आपको 1000-1500 रुपये आपके आराम से चले जाते हैं। तो मैं अभी सिर्फ गिनी चुनी सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो मुझे 350 रुपये में मैं लेकर आई हूँ, और ज़िंदा मुर्गी लेकर आई हूँ वो कोई 1000 से ऊपर की पड़ी है। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने इतना काबिल बनाया है कि आप जो चाहते हैं आप वो बाज़ार से ले भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, उसे पका भी लेते हैं। तो वो अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है, और हम सबको जो हमारी ब्लेसिंग्स है ना उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। एनीवेज तो अब मैं ज़रा बस काम कर लूँ, खाना पका लूँ, नाइल को देखूँ, मियाँ को देखूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मिलूँगी आप लोगों के साथ। अभी बहुत सारी वीडियोस अच्छी अच्छी आने वाली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलेंगी तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि मेरी नई वीडियो आई है। तो इट्स बेटर कि आप बेल आइकॉन प्रेस कर दें तो मैं आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो आप फ़ौरन क्लिक करके मेरी नई वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरी फैमिली। नायल बाबा नीचे से आ जाएं, फिर बाबा आपके पास बैठेंगे, टीवी देखेंगे, बातें करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सही है? डोमिल एक 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 तीन टाइम, मतलब कुछ भी खिलाने से पहले इसको ये पिलाया जाएगा, हाँ, जिसकी वजह से ये उल्टी नहीं करेगा, मतलब वो फ़ौरन हजम करेगा। फिर दूसरी कौन सी लिखी इसने? पैनाडोल। 4 या 5 घंटे बाद ऐसे फाइल देखा, पता नहीं, पहले तो पानी डलता था, तो लिखा हुआ था ये, इसमें क्या लिखा हुआ है, खुराक का लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में यही डालेगा इसके अंदर, पहले तो पानी डालते थे तो बन जाती थी। हाँ ये लिखा हुआ नहीं, कुछ और भी लिखा हुआ इसमें, हाफ बोटल एड, हाफ बोटल वाटर, अप्रॉक्स 10 ml फ्रॉम द बोटल फोर्टिफाइड वाटर। हाँ तो यही वाली है ना, इसी से डालेगा। चलाती हूँ अभी, बनाऊंगी अभी।
थी ना, मामा ने आपका बनाया है इसीलिए कप सूप, ताकि आप इससे पियो और आपको इससे पावर आ जाए, है ना? नहीं, आपको अब डॉक्टर अंकल ने वॉमिट वाला सिरप दिया जो मैंने आपको अभी पिलाया है, उससे आपको वॉमिट नहीं आएगी। और फिर 5-10 मिनट्स बाद ये आपका कप सूप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ये पीना, फिर आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। सही है? हाँ, फिर एकदम यहीं बैठ के आराम से पीना मेरा बेटा, नहीं गिरेगा, मामा पकड़ लेंगे।